हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग सब अच्छे से होंगे और सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली वैसे हो चुकी है, होप सो आप लोग दिवाली अच्छी गई होगी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फेस मास्क लेके आई हूँ, जिसमें मैं यूज करने वाली हूँ कॉफी। और बहुत ही सिंपल सा फेस मास्क है। इसको मैं यूज करने वाली दो इंग्रेडिएंट जो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं कॉफी यूज करने वाली हूँ, सेकंड में यूज करने वाली हूँ गाइस मिल्क। तो मैं आपको बताने वाली हूँ फेस पैक जो इंस्टेंट आपको ग्लो करेगा, आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉफी आपकी स्किन की वाइटनिंग करने का काम करती है, स्किन को टाइटनिंग करने का काम करती है। प्लस जब हम उसको मिल्क के साथ मिलाते हैं तो आपकी स्किन को वो वाइटनिंग का काम करती है, क्योंकि मिल्क आपकी रॉ मिल्क जो होता है आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगी। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोज पहुंच सकें। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसमें लेने वाली हूँ गाइस कॉफी। जैसे कि मैं ले चुकी हूँ, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉफी ली है, क्योंकि ये सफिशियंट रहेगी मेरे फेस पैक के लिए। मैं ये फेस मास्क बनाने वाली हूँ गाइस। ये जो कॉफी मैंने नेस्कैफे की ली है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। अगर आप मार्केट में, ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। दूसरी कॉफी भी आती है जिसके गोल गोल दाने होते हैं, तो आप उसको भी ला सकते हैं। या आपके घर पे अवेलेबल है तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी पाउडर के रूप में उसको बना सकते हैं। सेकेंडली, मैं इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मिल्क यूज करने वाली हूँ, रॉ मिल्क जो आपकी स्किन को व्हाइटनिंग का काम करेगा। तो गाइज, ये मैंने ले लिया है मिल्क। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स करूंगी। उतनी ही क्वांटिटी में मिक्स कीजिएगा जितनी आपको, जितने में आपका फेस पैक अच्छे से बन जाए। तो गाइज, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा सा थिक रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा पतला मत कीजिएगा इसको। गाइस, मैं इसको मिक्स कर चुकी हूँ और ये इस फॉर्म में बन गया है। थोड़ा सा आप मोटा रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो आपकी स्किन पे अच्छे से लग जाए। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ फेस पे इसको कैसे लगाना है। और इस फेस पैक को आपको 10 से 15 मिनट्स रखना है। इसके बाद हल्के से लुक वार्म वाटर से आप धोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कैसा इसको। इस तरह से आप पूरे फेस पर इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये आपको इंस्टेंट ग्लो देने वाला है आप इसको लगाएंगे। अब अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपको फेशियल करवाने की जरूरत थी पर आप किसी फंक्शन में जाने के लिए आप नहीं करवा पाए, तो गाइज आप इसको लगा सकते हैं। 2 घंटे पहले अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हैं फेस पे, तो आप खुद देखेंगे एकदम से आपकी स्किन पे व्हाइटनिंग आ जाएगी। आप इसके ऊपर कैसा मेकअप करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये आपको इंस्टेंट इफेक्ट लगेगा आपको अपने फेस के ऊपर। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, रेडियंट लगेगी। ये बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे फेस पे इसको लगा रही हूँ। तो आप गाइस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मेरे लग चुका है पूरे फेस पे। अब इसको मैं 15 मिनट्स तक छोड़ने वाली हूँ। गाइस, आप थोड़ी सी और थिक लेयर भी लगा सकते हैं इसकी। गाइज, ये मेरा मास्क पूरे फेस पे लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट्स इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो मिलते हैं आफ्टर 10 से 15 मिनट्स के बाद इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो चलिए गाइज, तो गाइज आप देख सकते हैं मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का हल्का सूख भी गया है, कहीं कहीं से बीच में से हल्का है, बट मुझे इतना 10-15 मिनट हो चुके हैं तो इतना ही रखना सफिशियंट है। इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। जितना सूख गया इट्स ओके, बाकी नहीं सूखा तो पर आप क्लीन कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्लीन करके आती हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैं फेस क्लीन करके आ चुकी हूँ। मैं
टॉवल से। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफी क्लीन लग रही होगी आपको। तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है जो आप लगा सकते हो कहीं भी पार्टी में जाने से पहले, आपको इंस्टेंट ग्लो करेगा आपकी स्किन को। तो इसके सिंपल सी मैंने आपको बता चुकी हूँ क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो गाइज आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और ओके गाइज, मिलते हैं भी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।